प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 मार्क के लिए है ये। मैं तुम्हारी डैड डैश करूँगा। ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र को 1617 में डैड डैश की पदवी से विभूषित किया। कौन सी पदवी से आपको पता है? शेर को डैड डैश से अलग किया। ये होगी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 मार्क के लिए है ये। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस के बनाए हुए उपकरण का नाम लिखिए। आपको उनका उपकरण बनाए हुआ नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न, शेर क्या कर रहा था? जगदीश चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? शेर पर क्या संकट आया? बिल में कौन रहता था? है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। 4 मार्क के लिए है। पहला है रुचि। रुचि का आपको अर्थ लिखना है और उसके वाक्य बनाने। जैसे कि रुचि का अर्थ है पसंद। मुझे कहानियों की किताब पढ़ने की रुचि है, ऐसे आप वाक्य बना सकते हो। मैत्री का अर्थ लिख के उसका वाक्य बनाने का है, मदद क्रोध। चौथा, दिए गए संज्ञा शब्दों के उनके प्रकार अनुसार लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ संज्ञा दी है, वो किस में आते हैं आपको लिखने हैं। जैसे व्यक्ति में आता है राम, एक व्यक्ति का नाम आता है। जाति में आता है लड़की लड़का। वस्तु में क्या आता है? मेज कुर्सी टेबल। समूह में आता है कक्षा सभा लोकसभा इत्यादि। और पदार्थ में तो आपको पता है पानी तेल गुलाब जामुन, ऐसे आपको इसमें से ढूंढकर यहाँ पर लिखने। 3 मार्क के लिए है ये। प्रश्न 5वां, अपने मनपसंद जानवर के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। आपको जो पसंद है एनिमल्स उसके बारे में आपको फ्यू लाइन्स लिखनी के। फॉर एग्जाम्पल, यू लाइक डॉग, डॉग के बारे में आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या खूबी है उसमें, तो आपको ऐसे लिखने के। 2 मार्क के लिए है ये। प्रश्न 6, 6वां प्रश्न, उचित जोड़ियाँ बनाइए। 3 मार्क के लिए यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, आपको उचित जोड़ियाँ बनानी है। जैसे मामा का क्या आता है इसमें से, राजकुमार का क्या आता है, शेर का क्या आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको लिखने का है और जोड़ियाँ बनाने की है।